हेलो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप बहुत बढ़िया होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। पिछले कुछ दिनों से बिजी होने की वजह से आप सभी से बातें नहीं हो पाई थी, और इन दिनों मैं भी आप सभी लोगों के आंदोलन का हिस्सा बनना चाह रहा था और मैंने अपने हिस्से का काम पूरा कर दिया है। जो भी ट्विटर पर आंदोलन चलाया जा रहा है, बड़ी बड़ी कोचिंग संस्थानों और बहुत ही बड़े बड़े टीचर्स के द्वारा, तो उन सभी में आप सभी के साथ मैं भी खड़ा हुआ हूँ। क्योंकि देखिए, मेन मुद्दा रोजगार का है। अगर हम पढ़ाई करते रहेंगे और रोजगार नहीं मांगेंगे, और जिस तरह से गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं बार बार चेंज कर देते हैं, अभी जैसे मैं आज की ही बात करूँ, आज भी बहुत सारे बच्चों को, और मैंने भी देखा कि कॉल्स आ रहे थे, सर UPSI का नोटिफिकेशन आ गया है। अच्छी बात है, नोटिफिकेशन आ गया, लेकिन पहले आप ये कोशिश करिए कि 2016 की वैकेंसी पूरी हो जाए, उसके बाद 2021 की वैकेंसी। यानी आपको इस बात का क्या भरोसा है कि 2021 की वैकेंसी 2025 में पूरा हो जाएगी? तो सबसे पहले जो भी कैंपेन चल रहा है, सभी स्टूडेंट्स वहाँ पे जाके, जिन लोगों ने ट्विटर पे अकाउंट नहीं बनाया, ट्विटर पे जाके अकाउंट बनाएंगे। #मोदी_रोजगार_2 के नाम का जो कैंपेन चल रहा है, वहाँ पे सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा रिट्वीट करेंगे, क्योंकि ये मामला मीडिया में लाइमलाइट में आना चाहिए। क्योंकि आज अपने इंडिया में सबसे बड़ा मेन चैलेंज रोजगार का है, और गवर्नमेंट उसी को बनानी है। गवर्नमेंट वही गवर्नमेंट आनी चाहिए जो हमारे लिए काम कर सके, क्योंकि हम मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं। हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है कि हम बिजनेस कर लेंगे, कुछ और कर लेंगे। सिर्फ और सिर्फ एक रास्ता है, वो है गवर्नमेंट नौकरी की तैयारी कर सकते हैं। तो इसीलिए जो भी, जिन भी लोगों ने अभी तक ये काम नहीं किया है, ट्विटर पे अकाउंट नहीं बनाया है, रिट्वीट नहीं किए और अपने साथियों को भी रिट्वीट करने के लिए बोले, और इस आंदोलन को बहुत ही तेजी से सरकार तक पहुंचाने में मदद करें। और मैं आपसे ही बच्चों के माध्यम से उन टीचर्स को और उन संस्थानों से भी निवेदन करना चाहूँगा, जो भी संस्थान है, जो भी टीचर्स पढ़ा रहे हैं और अभी इस कैंपेन में हिस्सा नहीं बने हैं, तो आप जो भी स्टूडेंट्स हैं अपने टीचर्स के पास पढ़ रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे, सर आप सभी लोग भी इस तरह की वीडियोज बना के, जैसे भी कह सकते हैं, क्योंकि देखिए, कैंपेन का हिस्सा बनने का बहुत बड़ा फायदा होता है। क्योंकि जब हमारी बात, हमारे पास यूनिटी रहेगी, तो हम किसी भी मुद्दे पे लड़ सकते हैं। और सरकार आज के टाइम पे एक ऐसी है, कोई भी जॉब देना नहीं चाह रही है, हमें जॉब लेना पड़ेगा। आप ये सोचिए कि हर वैकेंसी में लगातार इतनी धांधली होती रहती है, जैसे अभी SSC का बहुत बड़ा मुद्दा चल रहा, और अपने UP गवर्नमेंट की हम बात करें तो लगातार कोई भी वैकेंसी आती, बहुत जल्दी पूरा नहीं हो पाती। बहुत सारे बच्चे UPSI की तैयारी के लिए तैयार हैं। तो पहले मैं आप चाहूंगा, आप सभी लोग योगी सरकार को रिट्वीट करिए, उनको हैशटैग करिए कि सबसे पहले तो 2016 का जो UPSI का वैकेंसी का रिजल्ट है, उसके बाद 2021 का नोटिफिकेशन है, तब तो बात समझ में आती है। इस बात की क्या गारंटी है कि 2021 का नोटिफिकेशन निकाल के वैकेंसी 2022 में पूरी होगी? आप ये सोचिए, अगर 2021 की वैकेंसी 2025 में पूरी होगी, तो 4 सालों का दर्द क्या झेलने के लिए तैयार हैं? तो सबसे पहले 2016 का नोटिफिकेशन के जो भी रिजल्ट्स आए हैं, जो भी पेंडिंग है, सबसे पहले उन बच्चों की ज्वाइनिंग हो जाए, उसके बाद 2021 का नोटिफिकेशन आए। और आप सभी लोग थोड़ा सा एक्टिव हो जाइए ट्विटर पे, क्योंकि देखिए, आज के टाइम पे तो क्या है, पढ़ाई करना तो सारे पढ़ाई करते रहेंगे। आप ये सोचिए, अगर सिर्फ आप पढ़ाई करते रहेंगे और वैकेंसी नहीं आएंगी और हम लोग पढ़ाते ही रहेंगे, तो ऐसी पढ़ाई और पढ़ने और पढ़ाने का क्या फायदा? तो मेन मुद्दा क्या है कि वैकेंसी आनी चाहिए और पार्शियलिटी से होने चाहिए, और सारे सिस्टम वाइज होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हाँ, रेलवे की तरह फॉर्म भरा लिया, पैसे ले लिए, अब एग्जाम लेना है तो उसके लिए हमें स्ट्राइक करनी पड़ रही है, टीयर फर्स्ट लेना है तो स्ट्राइक करनी पड़ेगी, रिजल्ट लेना है तो स्ट्राइक करनी। कौन सा तमाशा है, हम किस देश में जी रहे हैं? हम डिजिटल इंडिया के नाम पे अपने ही लोगों को बेवकूफ बनाए जा रहे हैं। तो सभी लोग जरूर जाके ट्विटर अकाउंट पे जाके, जिन लोगों ने नहीं बनाया है ट्विटर अकाउंट, बनाएंगे। और जिन कोचिंग संस्थान वाले अभी इस मुहिम में शामिल नहीं हुए, उन सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, सभी बच्चे जहां कहीं पर भी पढ़ते हैं, अपने टीचर से जरूर रिक्वेस्ट करें और इस कैंपेन को बहुत ही पावरफुल बनाएं। जैसे कि बहुत सारे कोचिंग संस्थान, जो भी बड़े बड़े सेंटर्स हैं ऑल ओवर इंडिया, सभी लोग शामिल हो गए हैं, तो हम सभी लोग भी इस कैंपेन में शामिल होते हैं। उम्मीद करता हूँ कि बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिलेगा, फायदा होगा हम सभी को, नई वैकेंसियाँ आएंगी, सिस्टम सुधरेगा। कोशिश कर सकते हैं, कोशिश करने से बहुत कुछ बदलेगा। सब लोग बने रहिए, हम लोग मिलते रहेंगे। थैंक यू।